बाप और बेटे और पाकू के नाम से, आमीन। ए फाट को अपने सर बुलंद करो, ए अबदी दरवाजो ऊंचे हो जाओ, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावन जो कवि और कादिर है, खुदावन जो जंग में जोरावर है। ए फाट को अपने सर बुलंद करो, ए अबदी दरवाजो उनको बुलंद करो, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावन वही जलाल का बादशाह है, आमीन। आप तशरीफ रखें। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और दुआ से बाकायदा तौर पे खुदावन की इबादत को शुरू करें। खुदावन यीशु मसीह में हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम की तारीफ बजा लाते हैं कि तूने इस साल एक मरतबा फिर इस पाम संडे की इबादत करने का फजल हमें अता किया। और खुदावंद हालात के तहत बेशक चंद लोगों के अलावा जो चर्च के अंदर रिहाइश पजीर हैं और जो इंतज़ामी मामलात में यहाँ आना जिनका लाजमी था, उनके अलावा तेरे तमाम लोग, तेरी कलीसिया के लोग, तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के बदन का हिस्सा, वो अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगहों पे हैं। और खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि रूहानी तौर पे वो भी इस इबादत में शरीक हैं, और हम तेरा शुक्र करते हैं उन वसाइल के लिए जो तूने अता किए, जिनकी मदद से खुदावंद मल्टीमीडिया के थ्रू और नेट के ज़रिए से फेसबुक पर और चर्च के पेज पर बहुत से लोग हमारे साथ देखने और सुनने के वसीले से इस इबादत में शामिल हैं। हम तेरा शुक्र करते और तेरे नाम की तारीफ बजा लाते। और खुदावंद जो खुदावंद हमारे साथ अपने घरों पे बैठ के नेट के ज़रिए से शामिल हैं, उनको भी तेरे हुजूर याद करते और उन्हें इस इबादत में बाकायदगी से शामिल करते, और मिन्नत करते हैं कि तू उनका और हम सब का मददगार हो, और खुदावंद इस सारी इबादत में तेरी मदद, तेरे पाखरू की रहबरी और रहनुमाई हमारे शामिल हाल रहे। और खुदावंद ये इबादत हमारे लिए, और खुदावंद तमाम वो लोग जो किसी भी ज़रिए से हमारे साथ शामिल हैं, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा बरकत का वसीला ठहरे। और खुदावंद हम तेरी बरकतों से माला माल होकर इस इबादत से रुखसत होने वाले हों। तू हर लम्हा, हर कदम पर, हर लिहाज से, हर एतबार से हमारी मदद कर। तेरी मदद, तेरी रहबरी, तेरी रहनुमाई कभी हमसे दूर, जुदा और अलग ना होने पाए। खुदावंद मददगार हो। तेरे इकलौते प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम सब मिलकर 24वें ज़बूर का दूसरा हिस्सा और दूसरा वज़न गाएंगे। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ज़बूर नंबर 24 का दूसरा हिस्सा और दूसरा वज़न गाते हुए हम सब मिलकर खुदावंद की हमदो तारीफ करें। बादशाह है,
अपने मसीही ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज में करें, मैं ईमान रखता हूँ खुदा आदमी पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके बेटे हमारे जो कुछ की कुदरत से पेट भरा तुम्हारी मरीज से पैदा हुआ जहाँ से वो मर्दों की अदालत करने आएगा, मैं ईमान रखता हूँ कुछ पर पाप की श्याम पर मकदसों की रफात कर गुनाहों की माफी जिसके जीवन में और हमेशा जिंदगी पर। आमीन आमीन। तशरीफ रखिए, हम दुआ के लिए सर झुकाएं और ये दुआ वतन अजीज की सलामती के लिए, हमारे प्यारे वतन की हिफाजत के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसके तहफ्फुज़ के लिए, और ख़ास तौर पर हम खुदावंद का शुक्र बजा लाएं कि कोरोना वायरस के हवाले से हमारे मुल्क की सूरत हाल बेशुमार दीगर ममालिक से बेहतर है, लेकिन अभी ये पूरे तौर पे कंट्रोल में नहीं है। हम शुक्रगुजारी के साथ साथ ये दरख्वास्त करें कि हमारे वतन अजीज से खुदावंद अपनी कुदरत से और अपने इलाही इख्तियार से इस वायरस को ख़त्म करे और मुल्क की सूरत हाल जो इस वक्त गैर यकीनी है और अफरा तफरी की सूरत हाल है और इमरजेंसी है, ये सारी इमरजेंसी ख़त्म हो और ज़िंदगी मामूल पर आए। और हम इस दुआ में तमाम मसीहियों को जो कराची से खैबर तक वतन अज़ीज़ के किसी भी हिस्से में रिहाइश पज़ीर हैं या दुनिया भर में कहीं भी बतौर पाकिस्तानी मसीही रिहाइश पज़ीर हैं, उन्हें हम याद करें और उनको बताएं कि वो खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए और वतन अज़ीज़ की तरक्की, खुशहाली और बेहतरी में अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए अपनी ज़िंदगियों को वक्फ करें। आइए हम दुआ करें और हम सब अपने अपने दिल में इस मकसद के लिए दुआ करेंगे और जो हमें देख और सुन रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि इस दुआ में वो शामिल हों। और मैं जनाब एल्डर निसार वास्ती साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो सामने तशरीफ़ लाकर इस दुआ में हमारे रहनुमा हों। हम दुआ करें। आए हम दुआ करें। अजीब मशीह खुदाए कादर अब्दियत के बाप सलामती के शहजादे, इस वक्त तेरे पास आए हैं, आए खुदावन्द हम किसके पास जाएं, तू ही हमारा खुदा है, हम तेरे हुजूर झुक जाते हैं। जितनी जाने इस वक्त घरों में बैठ के इबादत अटेंड कर रही हैं उनके लिए भी ये ख़ास दुआ है कि उनको भी बरकतों से माला माल कर। इस वक्त हम अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं, पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं, ऐ खुदावन्द इस कोरोना की वबा को इस दुनिया से उठा ले, ऐ खुदावन्द उठा ले, तू सब कुछ करने में कादर है। हमारा ईमान है कि तू अपने लोगों की खुद हिफाजत करेगा और इस वबा को पूरी दुनिया से उठा लेगा। अपने मुल्क के लिए ख़ास दुआ करते हैं, हमारे मुल्क में भी जब ये वबा है तमाम लोगों के लिए दुआ है, जहाँ कहीं भी हैं, मुल्क के किसी भी हिस्से में हैं, ऐ खुदावन्द जितने लोग भी हैं सबको इस वबा से बचा के महफूज रख। ऐ उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ इस वबा की वजह से जो परेशान हैं, तंग दस्त हैं, ऐ खुदावन्द उनकी भी मददगार, उनका भी मददगार हो। ऐ खुदावन्द जो खुराक की वजह से परेशान हैं उनको खुराक मुहैया कर। ऐ खुदावन्द जो माशी मसाइल की वजह से परेशान हैं उनके मसाइल को हल कर। ऐ खुदावन्द जितनी जाने इस वक्त घर में बैठी तेरे कलाम को सुन रही हैं, ऐ खुदावन्द इस इबादत में शरीक हैं, ऐ खुदावन्द उनको भी दुआएं खैर देते हैं। ऐ खुदावन्द तू हमारा खुदा है, हम तेरे पास आए हैं, ऐ खुदावन्द तू हमारी अल्तजाओं को सुन, ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे और जलाली बेटे के नाम में। आमीन। एक बार फिर खुदावंद की तारीफ करेंगे और खुदावंद की तारीफ करते हुए जबूर 91
और उसका पहला हिस्सा, पहला वजन गाएंगे, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहिंदा है, खुदा दे खंभ दी छां हेठा ते ओ आराम पांदा है। 91 ज़बूर का पहला हिस्सा, पहला वजन। Thank you.
सब तशरीफ रखें। अजीजों, हम बार फिर अपने सरों को झुकाएं दुआ के लिए और इस दुआ में अपनी तमाम सिफारशात को, मुनाजात को खुदा उनकी हुजूरी में पेश करें। सारी कलीसिया के लिए, कलीसिया के तमाम तर अफराद के लिए और तमाम ख़ानदानों के लिए, दोनों पासबानों के लिए, एल्डर साहबान, डीकन साहबान, संडे स्कूल के लिए, यूथ के लिए, क्वायर के लिए और ख़वातीन सोसाइटी के लिए, और ख़ुसूसी तौर पे हम खुदावन से बरकत चाहें बेटे साइमन और समैर और डीकन आशर और सुहेल राणा के लिए, जो चारों इस वक्त जो घरों में देख रहे हैं उनके लिए सारा नेट का अरेंज इन्होंने मिलकर किया, अपने टैलेंट्स को ये काम में लाए। खुदावंद इनको इस खिदमत के वज़ बरकत अता करे। और इसके साथ ही हम डेली प्रेयर ग्रुप के लिए, ट्यूसडे प्रेयर ग्रुप के लिए, मंथली बाइबल स्टडी ग्रुप के लिए भी दुआ करें और खुदावंद से मिन्नत करें कि खुदावंद इन सबको कलीसिया की तरक्की और बेहतरी के लिए अपने अपने दायरा कार में खिदमत जारी रखने का फजल अता करें। तमाम बीमारों की शिफायाबी के लिए दुआ करेंगे। मुश्किलात और मसाइल और मसाइब में घिरे हुए लोगों के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद सबको मुश्किलात से निकाले। और मेरी दरख्वास्त है कि हम सब अपने अपने दिल में इन मुनाजात को, और इनके अलावा भी अगर हमारी ज़ाती ख़ानदानी अजीज़ व अकारब की, कलीसिया की कोई और मुनाजात हैं, उनको भी खुदा उनके हुजूर में रखे रहें और इसी मान से खुदा उनके सामने अपनी सिफारशात को रखें कि खुदा हमारी सुनता, कबूल करता और हमें जवाब अता करता है। और मैं भाई अशरफ गिल से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस सिफारशी मुनाजात पे हमारे रहनुमा हों। हम दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे नहायत बुजुर्ग जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं, तुझे दान बात कहते हैं। हाय मेरे खुदा, इस वक्त तू याद कर अपने लोगों को, याद कर अपने प्यारे बेटे और बेटियों को, मुश्किलात और परेशानी के बावजूद भी इस वक्त बाप वो तेरे घर में मौजूद है। इन्हें खुदावन तो और बरकत पर बरकत दे और अपने साथ चलने का नया फैसला था, क्योंकि खुदावन ये इबादत, ये खिदमत, ये अकीदत, ये परस्तश, ये सब कुछ खुदावंद करने में मुश्किलात रुकावटें आती हैं, लेकिन बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, इन सारी मुश्किलात के बावजूद भी तूने अपनी हैकल के दरवाजे खोल रखे हैं। खुदावंद फासले, जिंदगी की कितनी भी हदें क्यों ना हो खुदावंद, लेकिन दुआ को, इबादत को, खिदमत को कोई चीज रोक नहीं सकती। इन सारी बातों के लिए खुदावंद एक बार फिर मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस पूरी जमात के साथ मिलकर। इस वक्त बाप तेरे दोनों खादमों के लिए, उनके घरानों के लिए और तमाम इंतजामिया के लिए, तमाम जाली महकमों के लिए, खास तौर पर खुदावंद इन बच्चों के लिए जिन्होंने आज खुदावंद ये सारा इंतजाम जो नेट पर चल रहा है इनकी काविश से हुआ है, इन बच्चों के लिए खुदावंद हम एक बार फिर बरकत पर बरकत मांगते हैं। इन सबको खुदावंद तो अपने साथ चलने का फजल ताकत, क्योंकि खुदावंद ये इस नौजवानी के दौर में भी
ये शक्ल खुदावंद ने अपना आप तुझे दिया हुआ है और वफादारी से तेरी खिदमत करते हैं और तेरे साथ चलते हैं। तेरे घर में भी खुदावंद की बहुत सारी खिदमत हैं, तो याद कर खुदावंद ने अपने बेटों को, इन्हें खुदावंद तुम मुकम्मल तौर पर और आगे बढ़ने का फजल ता कर। इसी तरह बाप, इस वक्त मैं दुआ करता हूँ जितने लोग भी ये प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदावंद, उनके लिए भी हम बरकत चाहते हैं, क्योंकि वो सब मिलकर खुदावंद एक जान होकर ये इबादत में शरीक हैं। इसलिए खुदावंद हमारा ईमान यकीन इस बात पर है कि तूने कहा कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे वहाँ पर मैं मौजूद हूँ, तेरी मौजूदगी के लिए, तेरी हजूरी के लिए और पाक रूह की मामूरी के लिए। बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना है, परेशानी है कोरोना वायरस के वाले से, लेकिन 50 जबूर की 14वीं आयत में तो कहता है कि तू मुसीबत के दिन मुझे याद कर। खुदावंद तू इंसान से यही तीन चीज़ें मांगता है कि शुक्रगुजारी और मिन्नतें करना, खुदावंद मन्नतें मानना और खुदावंद दुआया रफाकत। ऐसा कर खुदावंद के ऐसे हालात में हम तुझसे लिपटे रहें और खुदावंद तेरे खादमों की रिस्पेक्ट और इज्जत करते रहें, ताकि खुदावंद ये खादम, ये चरवाहे जो तूने दिए रखे हैं, ये भेड़ों की देखभाल करते हैं, खुदावंद एक बार फिर इनके लिए बरकत पर बरकत मांगते हैं। इनकी सारी खिदमत को फलदार कर, एक एक जमात को खुदावंद तो बड़ी बरकत दे, जिस तरह खैरियत से हैं इस तरह खुदावंद वापस खैरियत से घर पर जाएँ, खुदावंद यसूल मसीह के नाम से। दुआ में झुके रहेंगे और ये दुआ हम सब मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए करेंगे। बेशक अभी दुआ में भाई ने कोरोना वायरस से मुतासरीन के लिए दुआ की, लेकिन हम एक बार फिर, और मैं दरख्वास्त करूंगा कि जितने लोग हमारे साथ शामिल हैं वो भी और आप सब भी, जब ये दुआ की जाए तो सभी दुआ करने में जो भी लीड करेगा आप उसकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर सब, और खुदा का खादिम भी साथ खड़ा होगा, हम सब मिलकर सिर्फ खुदा के हुजूर में एक ही इल्तजा करेंगे कि इस वबा से, इस हलाकत से जो दुनिया भर के इंसानों को मुतासर कर रही है और हमारे वतन अजीज़ में भी बेशक बहुत से ममालिक से कम हैं लेकिन बहुत से मुतासरीन हैं, उनके लिए, उनकी शिफायाबी के लिए दुआ करेंगे और इस वबा और इस हलाकत के मुकम्मल खात्मे के लिए खुदा से दरख्वास्त करेंगे कि वो अपनी कुदरत को जाहिर करे। और मैं डीकन प्रिंस सुशील से दरख्वास्त करूँगा वो सामने आए और हम सब इस दुआ में शामिल हों। कदूस कदूस बहरुबर के खालिक मालिक मसीह, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए। इब्राहिम, इज़हाक, यकूब के खुदा, हम बड़ी आजिज़ी से खुदा तेरे हजूर झुक कर, गिड़गिड़ा कर तेरे आगे खुदा मिन्नत करते हैं खुदा, कि तू जानता है कि हमारा पूरा मुल्क इस वक्त है खुदा, ऐ खुदा जिस कैफियत से गुजर रहा है यीशु, इस कोरोना जैसी है खुदा वबा को है खुदा बिल्कुल खत्म कर दे। कौन है जो है खुदा हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है खुदा, ना कोई नंगापन, ना कोई काल, ना कोई वबा आए खुदा हमें तेरी मोहब्बत से नहीं जुदा कर सकती है खुदा। मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूँ इस मुल्क पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को है खुदा, जितनी भी है खुदा कोरोना की लपेट में आई हुई है खुदा, वो कौमें, वो मुल्क, तू कहता है तुम उनसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, खटखटाओ तो मैं तुम्हारे वास्ते खोल दूंगा है खुदा। हम बड़ी आजिज़ी से है खुदा तेरे हुजूर झुक कर है खुदा तुझे सिजदा करते हैं खुदा, क्योंकि हम जिस खुदा को मानते हैं वो सुनता भी है, देखता भी और छूता भी है खुदा। मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूँ खुदा इस वबा को मुल्क पाकिस्तान से खत्म कर दे। जितने मसीह है खुदा हॉस्पिटल्स में है खुदा काम कर रहे हैं या दूसरे है खुदा अक्लियत हो या ऐ खुदा मुस्लिम भाई हो, ऐ खुदा जितने भी हॉस्पिटल्स में ऐ खुदा काम कर रहे हैं उनको तू अपने लहू में संभाले रख यीशु जी। मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूँ वो
फ्रंट फुट के ऐ खुदा, सिपाही ऐ खुदा, उन्हें संभाल ले ऐ खुदावंद। मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूँ ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को भी संभाले रख ऐ खुदा। हम जो दुल्हन की तरह ऐ खुदा, तेरी ऐ खुदा दुल्हन ऐ खुदा, तूने कहा ऐ खुदा मेरे प्यार करने वाले, मेरे चाहने वालों के दाहिने हाथ भी कई हजार गिरेंगे, लेकिन मेरे से प्यार करने वाला मेरा तालिब उसको कुछ नहीं होगा ऐ खुदा। हम इसी ईमान से ऐ खुदा इस वक्त इस गिरजा घर में, तेरे घर में आए हैं कि ईमान लेके ऐ खुदा कि जब दो या तीन मुत्तफिक होते हैं तो ऐ खुदा जो बातें हैं आसमान पर ऐ खुदा तू हमारी सुन लेता है। खुदा मेरी मिन्नत की इस आवाज को सुन और कबूल कर, क्योंकि ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता और पा लेता हूँ। आमीन। चंद एक पुकारें सुन लीजिए। आमिर मसीह, बल गुलजार मसीह, कुंबारा सकना शारून कॉलोनी, इसकी शादी सलमा जावेद दुख्तर जावेद मसीह, कुंवारी सकना नाजमाबाद पंडोरा, मरखा 18 अप्रैल 2020 बरोज हफ्ता होना करार पाई है। इस पुकार का तीसरा मौका है। रखी कमल दुख्तर इमानुएल शाहिद कियानी, कुमारी सकना ढोकिलाई बख्श, इसकी शादी शहरयार हारून बल्द हारून शाहिद, कुमारा सकना छतरी चौक सादकाबाद, ये शादी भी मरखा 18 अप्रैल 2020 होना करार पाई है। इस पुकार का भी तीसरा मौका है। शहरयार गिल बल्द परवेज गिल सकना शारून कॉलोनी रावलपिंडी, इसकी शादी वेरोनिका विलियम दुख्तर विलियम, कुमारी सकना डेविस रोड लाहौर, मरखा 18 अप्रैल 2020 होना करार पाई है। इस पुकार का भी तीसरा मौका है। सिद्रा आरिफ दुख्तर आरिफ मसीह, कुमारी सकना ढोकिलाई बख्श, इसकी शादी रुमेल खान वल्द दानियल अकरम, कुमारा सकना टैक्सला, मरखा 15 अप्रैल 2020 होना करार पाई है। इस प्रकार का भी तीसरा मौका है। सुहेल हारून वल चौधरी हारून सकना बंगश कॉलोनी पीर बधाई कुमारा, इसकी शादी सहरिश संधु दुख्तर अमानत मसी, कुमारी सकना गुदरांवाला, मरखा 18 अप्रैल 2020 होना करार पाई है। इस पुकार का दूसरा मौका है। अजीजो जो देख और सुन रहे हैं, अगर आप में से कोई इन शादियों में से किसी के बारे में भी ऐसी वजह से वाकिफ हो कि कानूनी या शरई तौर पर इनमें कोई रुकावट है, तो लिख कर उसकी इतला चर्च ऑफिस में जल्द अज जल्द पहुँचाएँ, वरना बाद इसके एक दूसरे की इज्जत के लिए हमेशा खामोशी इख्तियार करें। इसके साथ ही मैं जो देख और सुन रहे हैं सबको मैं बताता चलूं कि इस जुमेरात मरखा 9 अप्रैल 2020 शाम 5:30 बजे इबादत होगी। बेशक हालात के तहत पाकिशा की तकसीम तो हम नहीं करेंगे, लेकिन वो इबादत पाकिशा के हवाले से और इस तौर पे हम यादगारी करेंगे कलाम में से और इबादत के ज़रिए से, तो उसमें भी आप जो इस वक्त नेट के थ्रू देख रहे हैं वो टाइम नोट कर लें कि आप जुमेरात को 5:30 बजे इसी तरह हमारे साथ ऑनलाइन होंगे। और फिर मुबारक जुमे की इबादत भी आप घरों पे रह के इसी तरह हमारे साथ शामिल होकर देख सकेंगे, और उस इबादत में 7 सलीबी कलमात की तशरीह खुदा के दोनों खादिम करेंगे। और इसके साथ ही हम 12 बजे बेशक शुरू करेंगे, लेकिन हालात के तहत उसका दौरानिया हम मुख्तसर करेंगे। इसके साथ ही सनराइज़ की इबादत ईद क़यामतुल मसीह वाले दिन 12 अप्रैल बरोज़ इतवार 2020 सुबह 5 बजे हम शुरू करेंगे, और उस इबादत को भी इख्तसार से करेंगे, लेकिन आप 12 अप्रैल की सुबह 5 बजे
ऑनलाइन हो जाइएगा ताकि आप आज की तरह आगे जुमेरात की और जुमे की और सनराइज की इबादत में शामिल हो सकें। फिर उसी रोज़ 12 अप्रैल को रोज़ इतवार 11 बजे सुबह ईस्टर की इबादत होगी। ईद के अमतुल मसीह की यादगारी को हम एक बार फिर उस इबादत में ताज़ा करेंगे। तो आप मेहरबानी से 11 बजे सुबह भी ऑनलाइन हों और हमारे साथ इस तरह से शामिल रहें और दुआ जारी रखें कि बहुत जल्द खुदावंद वो वक्त लाए कि हम दोबारा उसी तरह से, जैसे मुकद्दस दाऊद 42वें ज़बूर में कहता है कि मैं कब दोबारा खुदा के घर में जा सकूं। इसी तरह बहुत से लोग जो अभी हालात के तहत नहीं आ पा रहे, नहीं आ सकते, उनका आना मुमकिन नहीं है, वो यही दुआ जारी रखें कि खुदावंद कब मेरे लिए ये मुमकिन होगा कि मैं तेरे घर में दोबारा जा सकूं। और इसके साथ ही मैं ये बताता चलूं कि पादरी शहबाज मलिक साहब आज मेरे साथ यहाँ पे आपको इसलिए शामिल नज़र नहीं आ रहे कि वो एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में एल्डर सफदर गिल साहब, एल्डर तसव्वुर साहब और चंद और वहाँ के ख़ानदानों ने इबादत का इस्तेमाल किया। तो उस इबादत में उन्होंने जनाब पादरी शहबाज मलिक साहब को इनवाइट किया, वो वहाँ पर खुदा की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन ईस्टर की बाकी सारी इबादत में वो भी मेरे साथ यहाँ पे शामिल होंगे। आइए हम एक बार फिर सर झुकाएं और खुदा का शुक्र करें कि इबादत के शुरू से अब तक खुदा हमारा मददगार रहा है और इबादत के बाकी सारे हिस्से जो इसके बाद अदा किए जाने को हैं उनमें भी खुदा हमारा मददगार रहे। और इसके लिए मैं नौजवान बेटे सुहेल राणा से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस मकसद के लिए दुआ करने में हमारी राह पाए। अजीज शुक्र करें आज के इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए जो खुदा ने हमें दोबारा बख्शा कि हम उसके घर में आकर उसकी तमजीद कर सकें, उसके नाम को इज़्ज़त जलाल और बुजुर्गी दे सकें। प्यारे कुदुस खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी तमाम तर नेमतों के लिए, तेरी रहमतों के लिए, तेरी बरकतों और तेरी तमाम तर बख्शिशों के लिए। खुदावंद आज के इस वक्त के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद जहाँ जहाँ ऑनलाइन इबादत हो रही है, खुदावंद तू उन सब जगहों पर, तू उन तमाम लोगों को उनका मावन हो जो इस सारी इबादत को अरेंज करने में मदद कर रहे हैं, इबादत के इस बाकी हिस्सा में हमारे साथ हो। खुदावंद ख़ास तौर पर कलाम के लिए तुझसे इल्तजा करते हैं कि जबकि खुदावंद आज जो भी कलाम जो पढ़ा और सुना चाहे, खुदावंद उसके ऊपर तेरी बरकत हो, अपने खादिम को बरकत बख्श और तेरा फजल और तेरा जलाल मांगते हैं। सब कुछ तेरे ही पाक मुकद्दस और जलाली नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। अजीज़ो, जैसा आप सब जानते हैं कि आज पाम संडे यानी खजूरों का इतवार है और इसी नस्बत से 24वें ज़बूर को हमने खुदावंद की हुज़ूरी में गाया। इस वक्त हम पाक कलाम की तलावत की तैयारी करेंगे और जो गीत पाक कलाम की तलावत की तैयारी के लिए हम गाएंगे वो खुसूसी तौर पे आज ही के दिन से रिलेटेड है। खजूरी इतवार या पाम संडे के हवाले से ही ये लिखा गया है। 136 नंबर है इसका सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब में और रूह की खुशी गीत की किताब में ये मौजूद नहीं है, इसलिए आप इस गीत के हवाले से सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब को ही मुलाहजा करें। गीत नंबर 136 है, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा Yeah.
खुदा के पाक कलाम में से हमारे लिए तलावत के दो हवाला जात हैं, पहला पुराने अहदनामे में से और दूसरा नए अहदनामे में से। पुराने अहदनामे में से 24वें जबूर की 7वीं आयत से जबूर के आखिर तक हम तलावत करेंगे और इसमें डीकन आशर नूर हमारे रहनुमा होंगे। और दूसरा हवाला हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 21वां बाब और उसकी पहली 5 आयात की तलावत में एल्डर शकील सरदार हमारे रहनुमा होंगे। आइए इसी तरतीब से खुदा के पाक कलाम के इन हवालात को पढ़ें और सुनें। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। पुराने अहदनामे में से जबूर नंबर 24 उसकी 7वीं आयत से जबूर के आखिर तक पढ़ेंगे। यूं मरकूम है, ऐ फाटको अपने सर बुलंद करो, ऐ अबदी दरवाजो ऊंचे हो जाओ, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावंद जो कवि और कादिर है, खुदावंद जो जंग में जोर आवर है। ऐ फाटको अपने सर बुलंद करो, ऐ अबदी दरवाजो उनको बुलंद करो, और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावंद वही जलाल का बादशाह है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के जिंदा और तसली बख्श कलाम में से आज की दूसरी तलावत मत्ती 21 बाब उसकी 5 आयात पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, यरूशलम में शाहाना दाखला। और जब वो यरूशलम के नज़दीक पहुँचे और यतून के पहाड़ पर बैते फिगे के पास आए, तो यस्सु ने दो शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुँचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर वो तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिल अलफोर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो, कि सय्यून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है। बरके लादो के बच्चे पर खुदावंद के जिंदा और तसली बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर सब पे बरकत हो। आमीन। जमजमा जलाल से खुदावंद की तारीफ करेंगे। जमजमा जलाल जैसा
दुआओं में भी हमने शुक्रगुजारी की कि पाम संडे के दिन खुदावंद ने हमें इबादत और परस्तिश करने का फजल अता किया है। हम शुक्रगुजार हैं कि इस साल बेशक रवायती अंदाज में जो हमारी मकामी कलीसिया की रवायत है उस जोशो खरोश के साथ और उस अंदाज में और अपने छोटे बच्चों की खिदमत और कारकर्दगी मासूम बच्चों का पाम संडे के हवाले से अपनी सलाहियतों को पेश करना वो मुमकिन नहीं था इस साल। इसके लिए हम दिल में अफसोस भी करते हैं लेकिन हालात के तहत हमें ये करना पड़ा है। और आज हम खुदा यीशु मसीह के यरूशलेम में शाहाना दाखले की याद को ताज़ा कर रहे हैं। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा लेकिन सिर्फ तीन पॉइंट्स को हम देखेंगे जिनमें से पहला ये है कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए तो बेहतरीन से बेहतरीन सवारी का भी इंतज़ाम मुमकिन था। वो तो अगर फरिश्तों को भी हुक्म करते कि फरिश्ते एक तख्त लेकर आएं और आलीशान और ऐसा तख्त जो ज़मीन पे कोई बना नहीं सकता, जो जिस तरह का तख्त बन नहीं सकता था, उस तख्त को खुदावंद यीशु मसीह की सवारी के लिए पेश किया जाता और वो उस पे बैठता और फरिश्ते उसके तख्त को उठाए हुए लेके चलते, मुमकिन था। फिर ज़मीन पर जो बेहतरीन से बेहतरीन सवारी उस दौर में अवेलेबल थी, खुदावंद यीशु मसीह उस पे भी बड़े यानी इंसानी एतबार से हमें नहीं नज़र आता कि बादशाह तो है और लोग कह भी रहे हैं कि ये बादशाह है, जलाल का बादशाह है, दाखिल तो हो रहा है, लेकिन इंसानी तौर पे इंसानी अक्ल और इंसानी पैमानों से हमें वो शानो शौकत नज़र नहीं आती इस बादशाह के यरूशलेम में शाहाना दाखले में जो हम तवक्को करते हैं। तो पहला पॉइंट यही है, हम देखें कि आखिर क्यों, जबकि ऐन मुमकिन था कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी सवारी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन इंतज़ाम करते, वो उनके एक आँख से इशारा करने की देर होती, उंगली हिलाने की देर होती, ज़बान से कह देने की देर होती, सब कुछ हो सकता था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उस जानवर पर जिसे मशरकी माशरे में बड़ा हकीर और कभी कभी बड़ा नाचीज़ और बेइज्जती का सबब समझा जाता है, गधे के बच्चे पर उन्होंने सवारी करना पसंद की। लेकिन एक बात याद रखें कि उस पर खुदावंद यीशु मसीह से पहले कभी कोई सवार नहीं हुआ था, ये भी ना हम बोलें, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको अपनी सवारी के लिए इस्तेमाल किया। इसमें बहुत सी बातें हैं लेकिन एक बुनियादी बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ये जाहिर करना चाहते थे अपने अमल से कि मैं बादशाह तो हूँ लेकिन मैं जालिम, जाबिर, कहर करने वाला या बिला वजह लोगों को सजाएं देने वाला और उन पे जुल्म करने वाला या बिला वजह उनको जबर का निशाना बनाकर अपने रोब और अपनी धाक बिठाने वाला नहीं, मैं सलामती का शहजादा, मैं सुलह और अमन का बादशाह। और उस दौर में और उससे बहुत अरसा पहले से भी और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने में भी ये जो फ़ातह बादशाह होता था किसी भी शहर या मुल्क को जब फतह करने, उसकी फ़ौजें पहले जाके फतह कर लेती, बादशाह बाद में दाखिल होता जब शाहाना अंदाज में, तो अगर वो घोड़े पर बैठकर आता तो देखने और जानने वाले जिन तक खबर पहुंचती या जो अपनी आंखों से देख रहे होते थे उन पर एक हैबत, एक खौफ तारी हो जाता था कि ये बादशाह बड़ा ज़बरदस्त है, ये बड़ा ज़ालिम है, बड़ा जाबिर है और हम पे ये कोई भी सख्ती कर सकता है, हमें डरना चाहिए, कांपना चाहिए इससे, हमें हमेशा इसकी हैबत में, इसके खौफ में रहना। लेकिन अगर वही बादशाह गधे पर सवार होकर एंटर होता तो लोग जान जाते थे कि ये फतेह तो है, फतेह तो इसने पाई है हम पे, लेकिन तो भी इस बादशाह के दिल में रहम है, ये बादशाह हलीम है, ये बादशाह सुलह और सलामती का पैगाम हमें
दे रहा है। तो ये पहली बात है आज के दिन के हवाले से। दूसरी बात, खजूर की डाली का जिक्र आता है क्योंकि कलाम में और दरख्तों की डालियों का भी जिक्र है और यह भी जिक्र है कि खजूर की डालियाँ हाथों में लेकर लोगों ने काट ली और उनको हाथों में ले लिया और यकीनी तौर पे आप तसव्वुराती आंख से देख सकते हैं कि उन्होंने जैसे झंडा हाथ में लेके बुलंद किया जाता है अपने दाहिने हाथ में, तो इस तरह से उन्होंने डालियों को बुलंद किया। तो खजूर की डाली उस दौर के लिहाज से फतह मंदी का निशान था। खजूर की डाली का ताज, खजूर के पत्तों का ताज बना के उस दौर में जो ओलंपिक्स होते थे रोमी हुकूमत में, साल में एक बार ओलंपिक्स होते थे, तो उनमें जो जो गेम होती उसमें जो फाते होता, कुश्तियाँ होती थीं और गेमें भी होती थीं, दौड़ भाग के और एथलेटिक्स के मुकाबले होते थे, तो जो जो फाते होता जिस फील्ड में भी, वो उस फाते के सर पे जो ताज रखते थे, किसी गेम में अव्वल आने वाले के सर पे ऑनररी तौर पे उसकी इज्जत अफजाई के लिए, उसको फतह मंद जाहिर करने के लिए जो ताज रखा था जाता था वो खजूर के पत्तों से बनाया जाता था। तो खजूर तो मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह अगरचे सलामती का बादशाह है, अगरचे वो सुलह और अमन और सलामती का पैगाम देता है, तो भी हमारा खुदावंद यीशु मसीह फाते है, वो इबलीस पर फाते है, वो गुनाह पर फाते है, वो हर तरह की आजमाइश पे फाते है और गालिब है। तीसरी और आखिरी बात अजीजो ये है कि जब वो बादशाह के तौर पे दाखिल हुआ, उसने इबलीस पे तो फतह पाई, गुनाह पे भी फतह पाई, हर तरह की आजमाइशों पे उसने फतह पाई और साबित किया कि वो वाकई बादशाह, बल्कि बादशाहों का बादशाह। लेकिन तीसरी बात हमारे सोचने की है, मेरे और आपके जो देख और सुन रहे हैं सबके सोचने की बात है कि क्या हम सिर्फ जबान से ही उसे बादशाह कहते हैं? क्या हम सिर्फ जबानी जबानी इकरार करते या अपने ईमान का इजहार करते हैं कि जी वो बादशाह बल्कि शहनशाह है और बादशाहों का बादशाह है, या प्रैक्टिकली हम अपनी जिंदगी का बादशाह उसे तस्लीम भी करते हैं? और अगर हम तस्लीम करते हैं तो फिर लाजमी बात है कि हम उसकी हुक्मदुली नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको बादशाह मान लिया जाता है, जो उसका फरमान हो, जो उसके अहकाम हो, जो फरामीन वो जारी करे, बादशाह की रैयत में रहने वाले लोगों का काम यह है कि वो उसकी ताबे फरमानी करें, उसकी फरमानबरदारी करें, उसके हुक्मों को बजा लाने में हमेशा कोशिश करते रहें, वो इसी तगोदो में रहें कि हमसे बादशाह का कोई हुक्म छूट ना जाए, कोई हुक्म उदूली ना हमसे हो जाए, बल्कि हम फरमानबरदारी करते हुए और बादशाह के हुक्म को बजा लाते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और चंद लम्हे खामोशी में हम आज के पैगाम की सारी बातों पर, ख़ास तौर पर जो आखिरी नुक्ता है कि हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को खुदावंद यीशु मसीह के बादशाह होने की हैसियत के हवाले से हमेशा एनालाइज करते रहें, हम खामोशी में कुछ देर दुआ में गुजारेंगे। बाप और बेटे और पाखरू के नाम से 341 नंबर का गीत है, सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब में से, और ये गीत भी रूह की खुशी गीत की किताब में नहीं है, जिंद जान ओदे तो बारी कि जेड़ा साढ़े दुख जानदा, ओदी जय करे खलकत सारी जेड़ा साढ़े दुख जानदा, और अपने हदियों नजरानों से खुदाम की शुक्रगुजारी करें।
तशरीफ रखें, हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं कि सारी इबादत में पहली दुआ से अब तक तू हमारा मददगार हुआ और तू हमें सलामती से अपने घर लाया, अपनी इबादत पे शामिल किया। और खुदावंद वो तमाम लोग जो अपने अपने घर में रहते हुए हमारे साथ रूहानी तौर पे और ज़हनी तौर पे और फेसबुक के ज़रिए नेट के थ्रू इन टच रहे, इस इबादत पे शामिल रहे, उन सबको भी तेरी हुजूरी में शुक्रगुजारी के साथ याद करते हैं। और वो तमाम हदिया जात जो तेरे लोगों ने तेरी ही दी हुई नेमतों में से शुक्रगुजारी के तौर पे तुझे दिए हैं, उनको तेरे हुजूर पेश करते हैं। खुदावंद तू इनको बखूर की तरह अपनी हुजूरी में मकबूल ठहरा, शुक्रगुजारी की इन कुर्बानियों की खुशबू ले और देने वाले एक एक फ़र्द और उसके ख़ानदान को कसरत की आसमानी और ज़मीनी बरकात से मालामाल कर। और खुदावंद तौफीक दे कि जब तक हालात मुकम्मल तौर पर साजगार नहीं हो जाते, हम इसी तरह जो वसाइल तूने हमें दिए हैं उन्हें काम में लाते हुए तेरी इबादात में शामिल रहें। और खुदावंद वो खजूरें जो जनाब एल्डर एजाज गिल और उनके ख़ानदान की तरफ से आज खजूरी इतवार के मौके की नस्बत से तकसीम की जाएंगी, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं, उनके घराने के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और हम सबको सलामती और खैरियत से यहाँ से रुखसत करना। और खुदावंद जिस तरह सलामती से ले आया, इसी तरह सलामती से हमें हमारी मंजिल तक पहुँचाना, तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, हमारी रोज रोटी आज मिले, जिस तरह हम अपने कसूरवार को माफ करते हैं, हमारे हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शराकत अब से लेकर हमेशा तक दुनिया भर के मसीही ईमानदारों, आलमगीर कलीसिया और ख़ास तौर पर तमाम देखने और सुनने वालों के साथ हो। आमीन। जलाल बाप बेटे और रूह का हो, जैसा इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा, कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और पाक रूह के नाम से आमीन। सलामती से जाइए।